क्या हाई कोर्ट भी रिकाउंसिलिएशन या काउंसिलिएशन प्रोसीडिंग या मेडिएशन प्रोसेस कर सकता है अगर आपका पारिवारिक मामला है तो? हाई कोर्ट एक बहुत ही बिजी बॉडी है, उसके पास इतना टाइम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हाई कोर्ट के पास पावर है या अथॉरिटी है, या हाई कोर्ट आपके मैटर में समझौता कराने का एक प्रयास कर सके? जी हाँ, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं और मैं आपको रेफरेंस लूँगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और इसमें भी स्पेशली सेक्शन 9 का केस जो कि रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से संबंधित है। और अगर हम लोग बात करें एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा 2004 में दिया गया था, विनय मुर्गी वर्सेस वंदना के केस में, तो सेक्शन 9 का केस वाइफ ने किया था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का केस, जहां पति और पत्नी एक दूसरे के साथ में नहीं रह रहे थे और पत्नी को पति के परिवार वाले ज़्यादा परेशान करते थे, इल ट्रीटमेंट करते थे, मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट करते थे, और जो रिलेटिव या रिश्तेदार थे पति के साइड के उनका भी काफ़ी निगेटिव एटीट्यूड था, वो पसंद नहीं करते थे उसे एज अ पत्नी, और इस वजह से दोनों के बीच में काफ़ी क्लैशेस या डिस्प्यूट होते थे। थोड़े समय दोनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया और पत्नी ने सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का केस पति के खिलाफ में कर दिया। पति और पत्नी का ये जो केस था वो सेटल नहीं हुआ और जो डिक्री थी उसे पत्नी ने वापस से चैलेंज किया हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट ने इस केस में मीडिएशन की, जैसा हमारा टॉपिक था, क्या हाई कोर्ट मीडिएशन कर सकती है, काउंसिलिएशन या सेटलमेंट करा सकती है, दोनों पार्टी का मध्यस्थता कर सकती है? जी हाँ, इस केस में हाई कोर्ट ने मीडिएशन किया, दोनों के बीच में मैटर को सेटल किया, और दोनों के बीच में ये सेटल किया कि क्योंकि जो ज़्यादा परेशानी थी वो परेशानी पति के परिवार वालों की तरफ से थी, पति की तरफ से नहीं थी, और इवन जो वाइफ थी उनके इन लॉज ने जिन्होंने उसको परेशान किया उसके बावजूद पति के साथ रहना चाहती थी, और पति भी हाई कोर्ट ने जब मेडिएशन की तो वो अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू कर दिया, उनके बीच में एक बच्चा भी था। कोर्ट का मेडिएशन सफल रहा और हाई कोर्ट के इस मेडिएशन के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने डायरेक्शन दिया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP को कि वो जो भी इंस्पेक्टर इंचार्ज उनके जुरिस्डिक्शन में रहता है वो हर महीने जहां पर भी पार्टीज रहती हैं वहां जाए और एक रिपोर्ट बना करके ऑफिस में सबमिट करे, और ऐसे एक साल तक रिपोर्ट बनानी है, और इस रिपोर्ट के कंप्लाइंस में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो रजिस्ट्रार के सामने अपनी रिपोर्ट एक साल में सबमिट करे। तो हाई कोर्ट ने मीडिएशन किया, उसने ये भी डायरेक्शन दिया कि पति पत्नी अपने रिश्तेदारों से या इन लॉज से अलग रहें, अलग प्रिमाइस अलग एकोमोडेशन में रहें, क्योंकि इस केस में ज़्यादा डिस्टर्बेंस कौन कर रहे थे, रिश्ते रिश्तेदार, और रिश्तेदार के साथ साथ लड़के के माता पिता या उनके परिवार के और सदस्य। तो कोर्ट ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया और रिस्ट्रिक्शन के साथ में कोर्ट ने यह कहा कि जो लड़के के परिवार वाले हैं वो इनके बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, बीच में दिक्कत ना क्रिएट करें, इसके लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और लोकल पुलिस को डायरेक्शन भी ग्रांट किए गए कि आप हर महीने जाओ उनके एकोमोडेशन में और रिपोर्ट लेके कोर्ट के सामने सबमिट करो और इसका कंप्लाई करो ऑर्डर 23 रूल 3 सिविल प्रोसीजर कोर्ट का, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डाला है कॉम्प्रोमाइजिंग डिस्प्यूट, मतलब जो भी डिस्प्यूट है दोनों के बीच में उसमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो जैसा हमारा टॉपिक था, क्या हाई कोर्ट भी मीडिएशन या सेटलमेंट कर सकती है? जी हाँ, कर सकती है, काफ़ी सफल सेटलमेंट कर सकती है, मीडिएशन का काम भी कर सकती है। कोर्ट के पास में पावर है, जो पावर है वो है ऑर्डर 23 रूल 3 सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से कंप्रोमाइजिंग डिस्प्यूट को लेकर के, और परिवार का भी जो मामला आएगा वो कंप्रोमाइजिंग डिस्प्यूट में आ जाएगा। मैटर सॉल्व किया, जो जजमेंट मैंने बताया आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपका ही ऐसा केस है तो आपको भी हेल्प मिल सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे। इसके साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका अपना चैनल है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझे बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर मेंशन है जहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे बात कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप मुझे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से संबंधित भी बात कर सकते हैं। दिल्ली पर्सनली आप मुझे मिलना चाहें तो भी मिल सकते हैं दिल्ली मेरे ऑफिस में। हमेशा की तरह आप जो कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।